राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा घरेलू न्यूज के माँ के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। साथियों, आज बात करेंगे आई फ्लू की। आप देख रहे हैं कि चारों ओर आई फ्लू बहुत अपने पैर पसार रहा है, घर घर में आई फ्लू है, स्पेशली बच्चों को बहुत ज्यादा आई फ्लू है। तो हम ऐसे आई फ्लू से बचने के लिए कुछ घरेलू उपचार हम ऐसे कैसे करें कि हमें आई फ्लू से होने वाली परेशानियां ना हो और जल्दी से ठीक हो जाए, राहत मिले, सूजन में राहत मिले, लालिमा में राहत मिले, दर्द में राहत मिले। ऐसे ही कुछ घरेलू उसके लेकर आज के वीडियो में आपके बीच में मैं बात कर रही हूँ आई फ्लू की। ये जो चिलचिलाती गर्मी और बारिश का मौसम होता है, कभी धूप और कभी बारिश, ये इन्फेक्शनल मौसम माना जाता है। इसमें बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है और ये आई फ्लू इस मौसम में आ ही जाता है। तो इसके लिए कुछ सावधानियां आपको बरतनी होंगी। सबसे पहले, आई फ्लू अगर किसी को हो रहा है तो उसके साथ आई कॉन्टेक्ट में आपको नहीं आना चाहिए, यानी कि उसको बिल्कुल सीधे सीधे नहीं देखना चाहिए। वैसे तो जिसे आई फ्लू हो उसको चश्मा लगा लेना चाहिए, लेकिन नहीं लगा होता कई बार तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप अपने आप को बचा लीजिए और जिसको आई फ्लू हुआ है वो अपने हाथ बार बार धोए और अपने हाथ आंखों में ना लगाए, इस बात का उसको ध्यान रखना चाहिए। अब हम कुछ घरेलू नुस्खे क्या सावधानी के साथ साथ करें कि जिसका आई फ्लू हुआ है उसका कपड़े, उसके तौलिया इत्यादि भी आप यूज नहीं करें। इसके साथ थोड़ा सा 2 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में लें, गुनगुने पानी में उसको उससे ऐसे मिला लें, एक बार फिर भी छान लें कोई पार्टिकल ना हो, और उससे आप अपनी आंखों की सिकाई करें। छपके दे सकते हैं, सिकाई भी कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी लें 1 चम्मच 1 कटोरे पानी में और उसको फिर मिलाकर छान लें, ठीक है। उसके बाद उसको कॉटन के कपड़े पे रखकर गुनगुने गुनगुने अगर आप अपनी आंखों पर लगाते हैं तो वो जो सिकाई होती है वो आंखों की सूजन को दूर करती है, आंखों में हो रही करकराहट को दूर करती है, क्योंकि हल्दी में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। तुलसी के कुछ पत्ते ले सकते हैं, उनको रात पानी में भिगो दीजिए, सुबह उस पानी को छानिए और उस पानी से आप अपनी आंखें वाश करिए, तो आप ये देखेंगे कि फटाफट से आपकी आंखों की लाली भी दूर हो गई, करकराहट दूर हो गई और आंखों के दर्द और सूजन में आराम मिला। आपको इसी के साथ साथ एक काम और करना है। कहा जाता है आलू जो होता है वो ठंडी तासीर का होता है, तो आलू को छील कर अच्छे से धोकर उसके कुछ स्लाइस काट लीजिए और उनको 10-15 मिनट तक अपनी आंखों पे रखिए। बदल बदल के रख सकते हैं या 2 से ज्यादा स्लाइस भी यूज कर सकते हैं। एक स्लाइस को 5 मिनट रखा, फिर हटा दिया, फिर दूसरे स्लाइस 5 मिनट रखे, इस तरह से आपकी आंखों की सूजन आलू के द्वारा उतर जाएगी। तो कुछ ये घरेलू ऐसे टिप्स थे जो आई फ्लू के लिए मैंने आपको बताया। और जिसको आई फ्लू हो जाए वो तेज रोशनी में बाहर ना निकले, टीवी ना देखे और आंखों से संबंधित कार्य ज्यादा ना करें, जिससे कि आंखों पर जोर पड़े, मोबाइल तो बिल्कुल भी ना देखें। तो इस तरह से बच्चे हो या पड़े हो, 5 दिन का हालांकि ये प्रक्रिया होती है, लेकिन 5 दिन भी बहुत कीमती होते हैं। उस दौरान जो असहनीय पीड़ा होती है आंखों में, यानी कि ऐसा लगता है कोई कांटे जैसे चुभ रहे हैं, करकराहट होती है, बेचैनी होती है, आंखों से पानी आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, तो उन सारी चीजों से बचने के लिए कुछ घरेलू उसके मैंने आपको नुस्खे बताए। आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं, आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, आप आलू का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीजों से आपके आंखों में बहुत राहत मिलेगी और आपकी आंखें जल्दी सही हो जाएंगी। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ नुस्खा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलती है एक और जबरदस्त नुस्खे के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत। थैंक यू।